हेलो दोस्त, मैं हूँ आदर्श सिंह, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस सैफ है इटावा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ह्यूमन वैली पर। तो आज का वीडियो में बहुत खास होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ जो सीपीपी नेट एग्जाम की जो काउंसलिंग होने वाली है वो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी। देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि सिक्स राउंड काउंसलिंग होगा या मॉपअप राउंड होगा, क्योंकि ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं। अब वो सिक्स राउंड कराते हैं कि नहीं, क्योंकि जो अपग्रेड हुए हैं कोर्स, बस देखो सीट उट नहीं बची है किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई सीट नहीं खाली रह गया है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में इतनी सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। अब ये बस यही है कि जो बच्चे अपग्रेड किए हुए हैं उनका कोर्स उस डिपार्टमेंट जाके दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा है, जो बच्चे किसी अदर डिपार्टमेंट से उनका जाके दूसरे, उनके प्रेफरेंस के अनुसार, उनके रैंक अनुसार, उनका बस कोर्स का अदला बदली चल रहा है। बट कोई भी कोर्स ऐसा सीट नहीं खाली है, सीट वही खाली रह गई जिस कैटेगरी में पीएच का सीट खाली होगा, फ्रीडम फाइटम का सीट खाली होगा। तो ऐसे के दुख के सीट खाली है जो कि मॉपअप राउंड में जाएगा। बाकी सब कोर्सेज अपग्रेड हो रहे हैं जिस टाइम, देखो एक्सेप्ट अपग्रेड और रिजेक्ट अपग्रेड का ऑप्शन उन्हीं को मौका मिलेगा। जो रिजेक्ट अपग्रेड किसको मिलेगा, रिजेक्ट अपग्रेड उन्हीं को मौका मिलेगा जो बच्चे पहली बार जिनको सीट अलॉट किया गया है, जो एडमिशन नहीं कराए हैं। जो एक्सेप्ट अपग्रेड किए उन्हें रिजेक्ट अपग्रेड का मौका नहीं, क्योंकि उनको फीस उनकी जमा ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं तो कोर्स अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि सीटें नहीं, सारी सीटें भर चुकी हैं जितने भी सीटें, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो। जो बच्चे कोर्स छोड़ रहे हैं उन्हीं की सीट खाली रह जाएगी बस, बाकी किसी का सीट खाली नहीं रहेगा, सबकी सीटें भर गई हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है सब दे दूंगा। अगर कोई दिक्कत है, आपको इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी हमको डीएम कर सकते हैं, जाओ इंस्टाग्राम द ह्यूमन वैली के नाम से वो भी है, तो हमें वहाँ भी आप डीएम कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, ईमेल जो होगा आपकी लास्ट काउंसलिंग की जो ईमेल आने वाला है वो कल या परसों तक आ जाएगा। आपके ईमेल आया हो सकता है, मे भी आज नाइट में भी आ जाए, तो ईमेल आप जब भी होगा आपके पास ईमेल आ जाएगा, तो ईमेल के लिए आप मत परेशान होइए। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा मैं आपको देता रहता हूँ। तो बाकी आप देखो परेशान मत हो, किसी में भी बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट कर रहे थे तो मुझे इस वजह से वीडियो में बताना पड़ रहा है। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, अगर आप मापअप में चाहते हैं तो अच्छे रैंक है तो भी मापअप में आपको मिल पाएगा, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं रह गई हैं, दो चार तीन ऐसे पाँच, किसी किसी में जो डिप्लोमा है उसमें दो चार, क्योंकि देखो डिप्लोमा के कोर्सेज ज़्यादा सीटें नहीं है भाई। डिप्लोमा में 20 सीटें हैं, किसी में 30 है, किसी में 50 है, तो 50 सीटें हैं वो तो ठीक है। देखो एलटी 50 वो तो बचेगा नहीं, सब बच्चे ले लेते हैं एलटी, ज़्यादा प्रीफर करते हैं डिप्लोमा का, तो एलटी यहाँ से होता भी नहीं है। एलटी जो होता है हमारा स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू यहाँ पे होता है, तो ये चीज़ें हैं। और भी जो जैसे कि जीएनएम हो गए, एएनएम हो गया, ये सब में क्या होता है, देखो जीएनएम एएनएम की दो खास बातें हैं। जीएनएम एएनएम वो भी कर सकते हैं जो आर्ट साइड, अगर जो गर्ल्स इंटरमीडिएट आर्ट साइड से की हुए हैं उनको जीएनएम और एएनएम करने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं आर्ट साइड से फॉर्म फिल किए होंगे, जो गर्ल्स हैं तो आर्ट साइड से फॉर्म फिल किए हैं तो एएनएम उनको मिल जाएगा, क्योंकि एएनएम गर्ल्स ही करती हैं, तो एएनएम की सीटें भर चुकी हैं, क्योंकि एएनएम बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं। एएनएम में 6 या 7 सीटें अभी बची हुई हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, वो 6-7 सीटें आपको बता दें फोर्थ काउंसलिंग से ही बची चली आ रही हैं, क्योंकि एएनएम की सीटें अब डायरेक्ट अब हो या तो होगा अब नेक्स्ट राउंड जो होगा उसमें फिल हो जाएगी, या कुछ बच्चे क्योंकि एएनएम में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो बैचलर हैं जो साइंस साइड से हैं उनको एएनएम चूज करने को मौका मिला था, जो कि हमारे भी कई लोग हमारे जानकारी में ही थे, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए तो मैंने उनसे भी जानकारी लिया। कई लोग एक दो लोगों का तो खुद मैं काउंसलिंग किया हुआ था, 2-3 लोगों का तो वो एएनएम उनको मिला था, वो सब छोड़ के कोर्स क्या हो गए उनका बैचलर डिग्री हो गई, क्योंकि देखो एएनएम में क्या होता है जो आर्ट साइड स्टूडेंट है वो प्रीफर उनको भी मिलता है एएनएम करने का मौका, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स है, आर्ट साइड वालों को भी मिलता है गर्ल्स में जीएनएम और एएनएम, और साइंस साइड वाले भी करते हैं जीएनएम एएनएम जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स एएनएम एएनएम केवल गर्ल्स ही करती हैं, तो इसमें क्या होता है इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि एएनएम वाले को मिल जाता है भाई 45-50 नंबर तो उनको मिल जाता है एएनएम, ऐसा नहीं है, एएनएम मिल ही जाता है। आर्ट साइड वाला है और साइंस साइड वाला, तो साइंस साइड को पहले प्रीफर करके और फिर छूटती सीट रह जाती है तो उनको एएनएम जो आर्ट साइड से उनको भी मिल जाता है। तो एएनएम जीएनएम की ये बात हो गई। अदर जो कोर्सेस हैं बीएससी नर्सिंग या बीएमएलटी, इनमें बीएससी नर्सिंग तो 1-2 सीट खाली है, जो कि सीट में वो बता रखा हूँ ऑलरेडी, तो वही 2 सीट खाली हैं जो पीएच कैटेगरी की हैं और फ्रीडम फाइटम की, जो बच्चे फ्रीडम फाइटम की, यही 1-2 सीट खाली हैं, बाकी सीट खाली नहीं है। फ्रीडम फाइटम की है तो जनरल, देखो 2 सीट हैं, अब वो चाहे जनरल कैटेगरी का हो
चाहे एक सीट मान लो जनरल कैटेगरी का, या एक सीट मान लो ओबीसी कैटेगरी का, या तो एससी या तो एसटी कैटेगरी का, दो सीट खाली है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। अब मैं उसके अलावा बता दूं, जो बीपीटी हो गया, बी फार्मा, तो इसी हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। क्योंकि देखो अभी तक लिस्ट कॉलेज में नहीं आई है, लिस्ट अगर अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। एक मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा लिस्ट मैंने लिस्ट आई नहीं है कॉलेज, इसलिए अपडेट आपको एकदम इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन इतना है कि एक दो सीटें हर एक डिपार्टमेंट खाली, जो कि रीजन है उसका खाली होना, रीजन है कि हाँ इस वजह से खाली है, तो वो रीजन अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे बहुत कम बच्चे एलटी में हैं, पीएच का वो रुक चुका है एलटी में, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने खुद उस बच्चे का जो है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड, वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया हुआ था। तो पीएच का उसका मैंने बात किया, तो उसने पीएच की सीट एलटी में ले रखी, बी मल्टी जो बैचलर कोर्स है। तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें उठ चुका है कोर्सेज। लेकिन देखो आप उम्मीद करिए कि एक दो सीट के, देखो वही सीट बची है जो फ्रीडम फाइटम और पीएच कैटेगरी के हैं, बाकी सीट कोई ओपन कैटेगरी जो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, ये सब एसटी के भी सीटें बची हुई हैं। क्योंकि एसटी में बहुत इक्के दुक्के स्टूडेंट होते हैं जो जो एग्जाम दिए होते हैं, तो उनकी सीट खाली रह जाती है, तो वो सब ओपन होकर चली जाएगी। एससी एसटी सारी ओपन हो जाएंगी, तो वही सीट जो ओपन होगी तो वही मापा ग्राउंड में जाता है सीट, जो सीट बची होती है, चाहे फ्रीडम फाइटम की हो, चाहे जिस कैटेगरी की फ्रीडम फाइटम की हो, चाहे कि आपकी पीएच कैटेगरी की हो, तो ये सीटें ओपन हो जाती है। तो वही सीट पर पूल राउंड काउंसलिंग यानी कि मापअप राउंड काउंसलिंग होता है। बाकी जो सीटें अभी आपको लग रहा है कि बच रही हैं, बच उच नहीं रही हैं, वो सीटें किसी न किसी को मिली हुई हैं जो बच्चे एक्सेप्ट अपग्रेड किए हैं। तो एक्सेप्ट अपग्रेड किए हैं तो सीटें या तो उसकी अपग्रेड होगी या तो उसी को वही सीट मिल जाएगी। तो आप ये मत उम्मीद लगाइए उस पर कि वो सीट खाली जाएगी, बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। या तो आपको मिला हुआ है जो सीट, वो कोई और कोर्स मिल जाएगा, जो आपको मिला था वो दूसरे को मिल जाएगा, जो दूसरे को मिला था वो आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया है ना, तो आपको सीट कोई ना कोई तो देंगे, या अपग्रेड होगा या तो आपको सेम सीट रह जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए जो अपग्रेड ऑप्शन किए हुए हैं उनका सीट खाली रहेगा, खाली नहीं रहेगा। या तो आपका अपग्रेड हो जाएगा अपर प्रेफरेंस के अनुसार, या तो आपको वही सीट मिल जाएगी, बस यही होना है। बाकी जो सीटें खाली हैं वही खाली हैं, जो फ्रीडम फाइटम हो गई और पीएच कैटेगरी हो गई, एससी एसटी में सेम ऐसा यही कंडीशन है। जिस डिपार्टमेंट किसी किसी डिपार्टमेंट को ये बीएससी नर्सिंग की सीटें में पीएच कैटेगरी, तो वो बच्चे ले लेते हैं जो इस समय ज़्यादा ग्रोइंग में है, ज़्यादा एससी जो कैटेगरी करना चाहते, जो बच्चे स्टूडेंट इस समय कोर्स ज़्यादा है, बीएससी नर्सिंग हो गया, जीनम हो गया, हाँ तो ये सब कोर्सेज ज़्यादा बच्चे लोग चूज करते हैं। तो बीएमएलटी हो गया, बीआरआईटी हो गई, बीपीटी, ये सब कोर्सेज ज़्यादा चूज कर, फार्मेसी भी हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे ऐसा नहीं है कि पीएच कैटेगरी का अगर 5 बच्चे, तो जरूरी नहीं है कि 5, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने डिपार्टमेंट सब में एक एक सीट होती है पीएच कैटेगरी की, तो 5 बच्चे तो 5 ही डिपार्टमेंट जाएंगे ना, जो डिपार्टमेंट जाना होगा, बाकी तो सीटें बचती हैं। तो इस अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, ये सारी सीटें ओपन हो जाएंगी, तो वही आप कूल डाउन काउंसलिंग होगी, चाहे 6th राउंड काउंसलिंग होगी। अब देखिए अगर बच्चे अपग्रेड हो रहे हैं तो 6th राउंड काउंसलिंग हो सकता है, नहीं तो उनका कूल डाउन काउंसलिंग करा के समाप्त कर दें, क्योंकि सेशन लेट चल रहा है, एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, बच्चों के क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं उनकी क्लासेस, तो उनको जल्दी कराना था, क्योंकि थोड़ा चुनाव होना होगा माहौल की वजह से उनको लेट हो गया। बाकी सब कुछ सही है, टेंशन मत लीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा लिस्ट आएगी जैसे मैं आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, चिंतित नहीं होना है, जो इन्फॉर्मेशन होगा आपको इस माध्यम से आपको मिल जाएगा, और जल्द ही हमारे चैनल पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल आने वाला है। तो परेशान मत होइए, अगर जिस डिपार्टमेंट से कॉमन सब्जेक्ट जो है उनसे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जो इन्फॉर्मेशन आज का है वो सबको शेयर कर दो, सबको बता दो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। तो परेशान मत, कोई भी दिक्कत है तो हमें आप कमेंट करिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर हमें डीएम कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल वहाँ पर भी हमें आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ, प्रॉस्पेक्टस सेंड करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन सब कुछ सेंड करता रहता हूँ। तो आज का वीडियो ये रहा आपके लिए, और वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।